गाइज अभी कुछ दिन पहले मैंने बाहर के काफी सारे सर्वर्स पर अपना यूआईडी खोला और वहाँ के प्लेयर्स वहाँ के इवेंट्स के बारे में एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। और गाइज जो चीज़ मैंने देखी, मतलब वो देख के मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया। मैंने इंडोनेशिया सर्वर, ब्राजील सर्वर, सिंगापुर सर्वर वगैरह में अपना यूआईडी खोला था और मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी जिनको देखकर मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया और मैं ये वाली वीडियो बनाने बैठ गया। तो गाइज अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आखिर मैंने क्या देखा वहाँ पर। तो गाइज सबसे पहले देखो वहां पर होता क्या है। वहां पर गाइज एकदम सब कुछ सस्ता है, सब सारी चीजें गाइज रिटर्न में आती रहती हैं। जैसे कि अभी देखो ब्लू एंजेलिक पैंट गाइज यहाँ पर आया था कुछ दिन पहले और अभी यहाँ पर रेड एंजेलिक पैंट आ चुका है। ये गाइज इंडोनेशिया या ब्राजील सर्वर है और यहाँ पर देखो समुराई बंडल रिटर्न में आ चुका है, जॉम्बी समुराई बंडल। इसमें गाइज अगर हम लोग अंदर क्लिक करेंगे देखना क्या होगा। ये देखो गाइज हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखना गाइज सारी चीज रिटर्न में आती है और इतनी सस्ती मिलती है भाई कुछ मत पूछो। देखो यहाँ पर समुराई बंडल मिल रहा है कितने डायमंड में, 240 डायमंड में गाइज जॉम्बी समुराई बंडल। गाइज मतलब अहमियत जानते हो आप जॉम्बी समुराई की, आप लोग जानते होंगे इंडिया सर्वर में कितना रेयर है ये बंडल। और अगर ऐसा इवेंट अगर इंडिया सर्वर में आ जाए तो जॉम्बी समुराई बंडल बिल्कुल भी रेयर नहीं बचेगा, इंडिया में सब लोग इसको ले लेंगे। तो गाइज देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें गाइज बाहर के सर्वर में आती रहती है वो भी इतने कम डायमंड में, फिर भी वहाँ के लोग नहीं निकालते हैं ये चीज़ें। तो देखो गाइज अभी मैंने और क्या क्या चीज़ें देखी, आप लोग देख के मतलब एकदम हैरान हो जाओगे। यहाँ पर गाइज मैंने देखा ये चप्पल अप्पल की स्किन आ रही, मतलब ये FF नाइफ की स्किन है। और यहाँ पर देखो ये टोकन्स हैं गाइज, जैसे हम लोग के इवेंट में नहीं यहाँ तक कुछ टोकन होता है उसके बदले में हम लोग को क्या देते हैं, ड्रैकी की स्किन देते हैं, वो जो पेट होता है ड्रैकी जो हम लोग के पास है भी नहीं। यहाँ पर देखो जो टोकन मिलते हैं उससे भाई साहब AWM की स्किन वो नई वाली और वो स्ट्रीट फाइटर वाला बंडल ये सब दे रहे हैं। तो गाइस जब आप लोग सोच रहे होगे वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें फ्री में और सस्ते में इसलिए आती ताकि क्योंकि वहाँ के प्लेयर का जो स्किल है वो बहुत अच्छा, वहाँ के प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो भाई लोग आप एकदम गलत सोच रहे हो, वहाँ के प्लेयर के पास घंटा कोई भी स्किल नहीं है, वहाँ के प्लेयर सब के सब नूबड़े हैं गाइस। तो गाइस मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ बाहर के सर्वर के लिए, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वहाँ के जो 70 लेवल के बंदे होते हैं उनके आईडी पर 1000 लाइक भी ढंग का नहीं होता गाइस, 1000-1500 लाइक होता है बस। और उनका KD गाइस किसी का 2 में KD होता ही नहीं 70 लेवल के प्लेयरों का, एक एक का KD लेके बैठते हैं। और भाई लोग हमारे इंडियन सर्वर में गए 60-60 लेवल के बंदे 4-4 का KDA लेके बैठते हैं, 10-10 हज़ार लाइक होते हैं उनके 60 लेवल की आईडी में। तो गाइज ये तो आप डिफरेंस जान गए होगे, उन सर्वर में गाइज एकदम स्किल नहीं होता उन लोग के अंदर, जबकि सबके सब गाइज PC या फिर गेमिंग फोन 4GB रैम फोन में खेलते हैं, लो एंड डिवाइस में वहाँ कोई भी नहीं खेलता। और हमारे यहाँ इंडिया बांग्लादेश और नेपाल सर्वर में गाइज 2-2 GB रैम के लेजेंड बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे प्लेयर बैठे हैं 2 GB रैम फोन में कि उनको मतलब कोई मार नहीं सकता है। तो देखो यार वहाँ के प्लेयर में स्किल भी नहीं तो आखिर उनका सर्वर इतना सस्ता क्यों है। तो गाइज अभी मैं एक मेन रीज़न आपको बताऊंगा, पहले यार वहाँ के मैं प्लेयर का कुछ UID इंस्पेक्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइज वर्ल्ड चैट में एक बंदा इन्वाइट भेज रहा है, ये देखो इसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो भाई लोग लेवल 70 हिप हॉप बंडल सीज़न 2 का, और लाइक है इसकी आईडी पे 4000, जब इसके पास हिप हॉप बंडल है तब भाई लोग इसके लाइक हैं 4000, KD है इसका एक का KD है भाई लोग। तो देखो यार इधर के बंदे देख लो आप, मतलब बिल्कुल भी प्रो नहीं गाइस, जितने को भी मैं इंस्पेक्ट करूंगा सब ऐसे ही हैं। यहाँ पर गाइस जिसका लेवल 60 होगा 65 होगा उसकी आईडी पर मुश्किल से 1000 लाइक होंगे। देखो यार यहाँ के मतलब बंदे एकदम नूबड़े हैं। ये देखो गाइस हिप हॉप बंडल वाले वर्ल्ड चैट में गाइस इन्वाइट भेजा करते हैं। तो गाइस अब बात आती है ये लोग अगर इनके अंदर स्किल नहीं तो आखिर इन लोगों का सर्वर इतना सस्ता क्यों है। तो गाइस इसका सिर्फ एक मेन रीज़न है, देखो वो रीज़न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और हो सकता है वो रीज़न आपको मतलब थोड़ा सा सुनने में अच्छा ना लगे क्योंकि यार ये एकदम कड़वा सच है इंडियन सर्वर का। तो भाई लोग सीन क्या है, अपने इंडियन सर्वर में उन लोग ने इतना चीज़ें महंगा क्यों कर रखा है, क्योंकि वो अगर हम लोग का टॉपअप कितना भी महंगा कर दें लेकिन हमारे इंडियन सर्वर में ऐसे बंदे बैठे हैं जो कि मतलब टॉपअप करेंगे ही, किसी भी हाल में करेंगे भले ही कितना भी महंगा हो जाए। और अगर बाहर के सर्वर पे वो टॉपअप वगैरह महंगा कर देते हैं तो वो लोग गाइस टॉपअप करना छोड़ देंगे, फ्री फायर को वहाँ पर सस्ता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडियन सर्वर में भले कितना भी महंगा टॉपअप हो जाए लेकिन बंदे हमेशा टॉपअप करेंगे और टॉपअप करना नहीं छोड़ेंगे और फ्री फायर ऐसे ही महंगा करते रहेगा चीज़ों को। गाइस वहाँ पर जो गन स्किन आता है वो 1500-1000 डायमंड में निकल जाता है, जैसे अभी हैंड ऑफ होप M18 आया था ग्रीन वाला, और हमारे इंडियन सर्वर में वो निकलता है 2000-3000 डायमंड में, समझ रहे हो गाइस डिफरेंस, वहाँ पर 1000 डायमंड में निकल जाता है। इसीलिए गाइस वहाँ का सर्वर इतना सस्ता कर रखा है उन लोगों ने क्योंकि वहाँ के लोग टॉपअप करना छोड़ देंगे अगर उन लोगों ने वहाँ पर महंगा किया, और इंडियन सर्वर में गाइस टॉपअप करना कोई भी नहीं छोड़ेगा भले ही कितना भी महंगा हो जाए। और अगर गाइस ऐसा होता है कि इंडिया के लोग टॉपअप करना छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए
तो भाई लोग बाकी सर्वर की तरह फ्री फायर को भी यहाँ पर सब चीज़ सस्ता करना पड़ेगा। तो गाइज ये यार एक कड़वा सच है इंडियन सर्वर का कि यहाँ के लोग बहुत टॉप अप करते हैं। मतलब फ्री फायर का जितना भी इनकम है वो 70% इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आता है। तो समझ रहे हो ना गाइज, इसीलिए वो लोग यहाँ का मतलब पूरा लूट रहे हैं, इतना महंगे कर दे रहे हैं चीज़ों को। तो गाइज यही एक कड़वा सच है जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। तो गाइज आज की डेट में इधर का टॉप अप इतना महंगा हो चुका है कि मतलब हमारे इंडियन सर्वर में $1 में सिर्फ 100 डायमंड आता है, और बाहर इंडोनेशिया ब्राजील सर्वर में एक डायमंड में आपको 500,000 डायमंड मिल जाता है। समझ रहे हो भाई लोग, ऐसा है उधर का सिस्टम। तो गाइज बस यही थी आज की वीडियो, एक गाइज मैंने थोड़ा सा सच बताया आप लोग को। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और यार शेयर करना इस वीडियो को। तो यार फिर से मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।